नेदर के सबसे बड़े साम्राज्य का महाराजा विदर किंग, जिसके लिए विदर्स जान लेने और देने में जरा भी नहीं सोचते। वही विदर किंग जो अगर क्रोध में आ जाए तो शहर के शहर मिट्टी में मिल जाते हैं, और मुझे उससे मिलने का बड़ा मन है, और इसलिए हम आ चुके हैं विदर किंग SMP के अंदर। बट विदर किंग से मिलने के लिए हमें सरवाइव तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम आएंगे और हमारे ऊपर डायमंड्स की बारिश होने लगेगी। सो लेट्स इनेबल ग्राइंड मोड। बेसिक टूल्स रेडी करने के बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया, क्योंकि यार रात को कहाँ भटकूंगा मैं। एंड हाँ, तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आई एम सम सॉर्ट ऑफ माइनक्राफ्ट बिल्डर माइसेल्फ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इस SMP के अंदर काफी सारे कस्टम स्ट्रक्चर भी स्पॉन होते हैं, जिसको एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आ रहा था। और इसी तरीके से एक्सप्लोर करते करते मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है। वेट, वहाँ पर किसी का तो बेस है, एंड काफी सुंदर बेस है भाई। एंड वहाँ पे कोई खड़ा है भाई, कोई प्लेयर है क्या? वेल, ये प्लेयर तो मुझे नहीं लग रहा, उसका पूंछ भी है। ये किसी लोमड़ी जैसा है या फिर कोई भेड़िया, आई डोंट नो गाइस, ये क्या है? एंड ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। आज तक मैंने ऐसा भेड़िया अपने लाइफ में माइनक्राफ्ट के अंदर तो कभी नहीं देखा है। तो ये आखिर क्या कर रहा है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो क्रिएचर है वो हॉस्टाइल है या फिर फ्रेंडली है। अगर वो फ्रेंडली है तो कोई इशू ही नहीं है, हमारा पहला दोस्त बनेगा इस सर्वर के अंदर। लेकिन अगर वो हॉस्टाइल हुआ ना तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एंड इसीलिए सबसे पहले हम छुपके से उसके पास जाते हैं, उसके पे थोड़ी देर नजर रखते हैं, ताकि हमें मालूम चल जाए कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है या फिर नॉर्मल सा है। वेल, अभी हम लोग उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे वो बेस भी दिख रहा है जो कि काफी मस्त है। इसके सामने वो जो प्लेयर है वो भी होना चाहिए। वो कहाँ है? वो रहा। लेकिन वेट, वो अकेला नहीं है, वहां पे कोई और भी है। वेट, वो कौन है? मुझे थोड़ा हाई देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज। सो गाइस, अभी मुझे सारी चीज समझ आ रही है। वहां पे वो जो फॉक्स देख रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना वो फॉक्स ट्रैप हो चुका है, एंड आई थिंक हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वेल, सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि वो फॉक्स सेफ है या फिर मदद करने के बाद वो हमें ही खा जाएगा। पता नहीं, लेकिन यार मदद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो फॉक्स खतरे में तो है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे अब ज़ॉम्बीज की संख्या देखो भाई, इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं कि अगर मैं अभी जाके उनसे लड़ने की कोशिश करूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी वो लोग बैंड बजा देंगे, क्योंकि मेरे पास कोई खतरनाक लेवल वाला आर्मर नहीं है। देखो कितना कचरा लेवल वाला आर्मर है मेरे पास। हाँ, आयरन उतना भी बेकार नहीं होता है, बट स्टिल उन ज़ॉम्बीज के सामने तो भाई मैं ढेर हो जाऊंगा बड़ी आसानी से। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम क्या करेंगे, सिंपली उसके पास जाएंगे, उस बंदे को बचाएंगे, एंड उस बंदे को बचाकर वहां से निकल लेंगे। वेल, उन ज़ॉम्बीज से लड़के उस फॉक्स को बचाना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, और इसलिए यहाँ पर मैंने अपना दिमाग लगाया एंड एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे उस फॉक्स को हम आराम से बचा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने एकदम मस्त फ्लाइंग मशीन बना दिया है जो कि सीधे जाएगा एंड उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके पास जैसे ही वो पहुंचेगा ना तो वो उस पे जंप लगा देगा एंड जंप लगाकर वो बच जाएगा। भाई कितना ज्यादा ब्रेन पाया है मैंने। ठीक है, तो अभी वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले मेरे को बस क्या करना है कि पीछे वाला जो ब्लॉक है ना इसको बस तोड़ देना है इस तरीके से। एंड यस, हमारा फ्लाइंग मशीन एकदम मस्त तरीके से काम करने लगा है, एंड देखते हैं क्या वो बच पाएगा। ओ भाई, वो हमने देख लिया, वो देख के खुश हो रहा है। ओ भाई खुश हो रहा है वो। ओके ओके, आ जा भाई। देख भाई सुन, हेलो, आराम से जंप लगा देना। ठीक है, जंप लगाएगा ना, अच्छे जंप लगा देगा ना। हाँ, आ जा। बाकी ज़ॉम्बीज लोग मेरे पास भी आ रहे हैं, होपफुली यार हाइट एकदम सही हो तो हम लोग सेफली वहाँ से निकल लेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जंप लगाना, मेरे ब्लॉक पे, मेरे ब्लॉक। जंप करो, जंप जा रहे जंप। आई भाई, बहुत फंस गए। अरे भाई फंस गए, अरे भाई फंस गए। वेट वेट, ब्रो ब्रो ब्रो, ये लो एक्स लो, भाई मारो उन्हें, मारो। ओ भाई कितने हैं, ओ भाई कितने सारे ये। भाई भागो, बचना पड़ेगा। वेट, भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही है यार। बेस, तुम्हारा बेस है ना भाई, बेस के ना चलो, तुम्हारे घर के अंदर घुसो, जल्दी से आ जाओ, घूम के आओ, उन्हें उल्लू बनाते, जल्दी से घर के अंदर आओ। तो क्या करने वाले, जल्दी से तुम अपने घर में चल जाना। ठीक है, आ जाओ, जल्दी से आओ, मैं ब्लॉक कर दूंगा रास्ता। ओके, ऑल राइट, तो इसको मैं ऐसे रखता, एंड ये ब्लॉक इसको भी खोल दो,
एंड यप यप यप। ओ फॉक्सी, अरे बच गया भाई, बच गया। खुश है? ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉक्सी को एकदम अच्छे से रेस्क्यू कर लिया एंड आई थिंक वो काफी ज्यादा खुश है, वो हमें पोतैतो पे पोतैतो देते जा रहा है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत कोई नहीं है। बाकी यहाँ पर जो जॉम्बीज है ना, उन्होंने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, वो अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। एंड अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं अभी के लिए ये जो फॉक्सी है ना, इसी के बेस पर रह लेता हूँ इस रात। जैसे ही दिन होगा मैं अपने बेस के लिए निकल लूंगा। सो हे फॉक्सी, क्या मैं एक रात के लिए इस बेस पे रह सकता हूँ? ओके, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर जो फॉक्सी है उसने परमिशन दे दिया है, तो अभी हम लोग इसी के बेस पर रहने वाले इस रात। वैसे भाई कहना पड़ेगा, इसका जो बेस है ना, ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एक मिनट, ये प्लेयर हेड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? वेट। हाय, हेलो फॉक्सी, हेलो। एक मिनट, थोड़ा उधर ही रहना, मैं से थोड़ा दूर रहो। एक मिनट, मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था। उधर ही रहना भाई। यार मेरे को यार इससे थोड़ा सा डर लग रहा है। आपने देखा यहाँ पर उसके पास बहुत सारे प्लेयर्स के हेड है, ये देखो बहुत सारे प्लेयर्स के हेड है उसके पास। पर वो सारे प्लेयर्स के हेड क्या कर रहा है उसके पास? कहीं ये प्लेयर्स को ट्रैप तो नहीं करता, मतलब प्लेयर्स को खाता तो नहीं है ना? मतलब हो सकता है यार हमारे साथ फ्रेंडली बनने का एक्टिंग कर रहा हो एंड बाद में हमें ये मार डाले। हो सकता है यार, मुझे इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता यार कि रात भर इसके घर बेस में मुझे रहना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यार बहुत सारे जॉम्बीज जो है ना, वो बाहर घूम रहे हैं एंड यही एक जरिया है। बाहर जाऊँगा, वैसे जॉम्बीज बाहर नहीं दिख रहे बट आई गेस आसपास होंगे। हेलो, अरे जाओ ना उधर, वहाँ पे रहो थोड़ी देर। वेल, अभी यहाँ पे कोई जॉम्बी तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है यार बाहर जॉम्बीज मेरा इंतजार कर रहे हो एंड जैसे ही मैं जाऊँ ना तो वो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो आई थिंक यार बेहतर रहेगा यहाँ पर रहना, बट थोड़ा सेफली रहना होगा। ठीक है फॉक्सी, हेलो फॉक्सी, वेट। चलो भाई मेरे को अपना बेस दिखा देना, बट मेरे से थोड़ा दूर रहना, ठीक है? चलो, बाकी यार कहना पड़ेगा यार, इसका ये जो बेस है वो इतना ज्यादा मस्त है। वेट, क्या किया उसने? उसने यार कुछ तो वहाँ किया, किसी का प्लेयर का हेड तो रखा है, उसने छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है क्या ये? ओके, तो यहाँ पे मैं सो सकता हूँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम कहाँ सोगे? तुम कहीं और सोगे क्या? हाँ तब ठीक है, तुम जाओ सोना, सो अब मैं यहाँ सो लेता हूँ। सो गाइस, अभी रात के अप्रोक्स 3 बज रहे हैं एंड यहाँ पर एक तेज आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी है। वो आवाज़ ऐसी थी ना जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। वेल, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सपना था या फिर ये एक्चुअली में हुआ। वेल, ये भी सच है कि मुझे उस लोमड़ी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सो हो सकता है वो हमें मारने के लिए कोई प्लान बना रहा हो और इसी कारण से ये आवाज़ें भी आ रही हों। तो हमें जाकर एक बार देखना चाहिए कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। वेल, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना है, एकदम छुपके से चलते हैं ताकि वो जो फॉक्सी है उसे कुछ भी महसूस ना हो। बाकी उसने कहाँ बोला था वो कहाँ पर सोएगा? जहाँ पर वो सोएगा ना, वहाँ पे चेक करके आते हैं वो सोया है कि क्या कर रहा है। वेल, सच कहूँ ना तो इस जगह पे रात गुजारने का जो आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था। मतलब कि मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ डर के कारण। यार इतने सारे प्लेयर हेड्स मुझे दिखे हैं तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ भाई? भाई मैंने ऊपर के काफ़ी सारे कमरों को चेक कर लिया लेकिन ऊपर कोई नहीं है। उसे ढूंढते मुझे एक ऐसी चीज मिलती है जिस पर मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वेट, ये क्या है? ये तो किसी अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर का रास्ता लग रहा है। तो यहाँ पे चुपके से जाकर देखते हैं। ओ भाई, ये तो कोई बहुत बड़ा मशीन लग रहा है। ये वो छोटा सा फॉक्स बना के आ रहा है। वहां पे वो कुछ कर रहा है, देखो वहां पे कुछ तो बना रहा है। मुझे छुपना होगा। वेट, वो बना क्या रहा है? ये है क्या इतना बड़ा? मतलब कि ये छोटा मोटा चीज थोड़ी ना यार, देखो कितना बड़ा है ये। हमें उसे जाके पूछने चाहिए क्या सीधे? मुझे सेफ नहीं लग रहा। वे, उसने हमें देख लिया। हेलो, वेट, उसने हमें देख लिया है। वो आ रहा है क्या हमारे पास? वेट, तलवार लिए रहता हूँ। अरे, उसके हाथ में एक्स है। वेट, हेलो, फॉक्सी, हेलो, दूर, मैं वार कर दूंगा। दूर रहो। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? ओके गाइस, तो मैंने इस लोमड़ी फ्रॉक्सी से बात कर ली है एंड इसने मुझे बताया है ना, ये जो मशीन आप देख रहे हो, इतना बड़ा ये जो जाइंट रेडस्टोन मशीन है,
वो एक्चुअली में एक फूड फार्म है, और ये फार्म अकेले ही इतना ज्यादा फूड जनरेट कर सकता है कि पूरा का पूरा जो सर्वर है ना, उसमें किसी को भी फूड की फिर जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस दिक्कत ये है ना कि ये फार्म सिर्फ 2 मिनट चला, एंड चलने के बाद ये ब्लास्ट हो गया। तो अब मुझे समझ आया, वो जो आवाज आया था ना, वो इसी का था, ब्लास्ट हो गया भाई। एंड फ्रॉक्सिस पे भी काम कर रहा है, अभी 80% कंप्लीट हो गया है, 20% अभी भी बाकी है। एंड साथ में फ्रॉक्सी ने हमें ये भी बताया कि वो इस सर्वर का सबसे बड़ा रेस्टो इंजीनियर है, मतलब कि हम लोगों ने सबसे बड़े रेस्टो इंजीनियर को हेल्प किया, एंड उसको हम लोग कातिल समझ रहे थे कि वो बंदों को मार कर रखता है। ये जो हेड हम लोग देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में उसने दुकान से करदा था भाई, मतलब कि ये प्लेयर हेड फेक है, एंड इसको इसीलिए उसने रखा है ना, ताकि जो जॉम्बीज हैं वो घर के अंदर आने से डरे, क्योंकि ऑफकोर्स प्लेयर से भाई सबको ही डरता है। तो यार फॉक्सी तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, हम लोगों ने तो बेमतलब का ही उस पर इतना सारा इल्जाम लगा दिया था। अगली सुबह मैं उठा, एंड फ्रॉक्सी ने तो भाई मुझे डरा ही दिया, एकदम मुंह के पास बैठा हुआ था। देन हम लोगों ने बाय बाय कहा, एंड मैं वहां से निकल पड़ा। उस दिन के बाद से मैं और डॉक्टर फॉक्सी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, एंड कभी कभी तो मैं उसके बिल्ड में भी हेल्प कर दिया करता था। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, एंड ग्राइंड करते करते मैंने डायमंड का फुल आर्मर सेट भी तैयार कर लिया था। अब बाकी थी तो इसे इंचांट करने की, लेकिन तभी मुझे फॉक्सी का कॉल आता है। हाँ हेलो, हाँ फॉक्सी क्या हुआ? क्या भाई इतना टेंशन में क्यों है भाई? अच्छा आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ मैं तुरंत निकल रहा हूँ भाई बेस से। कॉल पर फॉक्सी काफी ज्यादा टेंशन में था, उसे कुछ तो मालूम चला है जो कि वो मुझे बताना चाहता है, मगर क्या मुझे ये नहीं मालूम था। तो मैं जल्दी से अपना बैग पैक करता हूँ, एंड तुरंत निकल पड़ता हूँ फॉक्सी के बेस की ओर। और तभी रास्ते में मुझे फैंटम दिखता है, जो कि सिर्फ रात में निकलते हैं, तो ये दिन में कैसे? वेट, वो तो मैथ साइंटिस्ट है ना, पर वो फॉक्सी के बेस के साइड क्यों जा रहा है? आई डोंट नो यार, मुझे जल्दी से फॉक्सी के बेस पर पहुंचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम फॉक्सी के बेस पर पहुंच चुके हैं, अभी जल्दी से फॉक्सी से मिलकर आते हैं कि आखिर उसने यहाँ पे क्यों बुलाया है। वैसे उसकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लग रहा था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। सो हेलो फॉक्सी, फॉक्सी हेलो यार, ये खुला, अब लास्ट टाइम आया था वैसे ही था ना, बंद भी नहीं हो रहा। हेलो भाई, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? सोरो फॉक्सी हेलो गाइस, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा घर छान मार लिया, मतलब कि एक एक कोना मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पर फॉक्सी का एकदम नामो निशान नहीं है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर फॉक्सी गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो पहले तो कॉल पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बात कर रहा था, यार मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। मैंने यार उसका जो सीक्रेट वाला प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पर भी देख लिया है, एंड सबसे चीज बात मालूम है क्या है, कि उसका जो सीक्रेट वाला प्रोजेक्ट है वो गायब है। यस, मैं दिखाता आपको, देखो देख लो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो मशीन था ना वो गायब हो गया। यार फॉक्सी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर आखिर क्या? वेट, यहाँ पे ये नेटवर्क क्या कर रहा है? यहाँ पे कौन नेटवर्क? वेट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है नेटवर्क, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ना यार किसी ने ऐसे लगाया है इसे। एंड ये तो रुइंड पोर्टल है, लेकिन इसे लाइट अप किसने किया? यहाँ पे स्टेयर्स भी बने हुए हैं। वेट भाई, मुझे क्या लग रहा है ना कि फॉक्सी को यार किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड आपको याद है हम लोग जब घर पे थे तो यहाँ पे हमें आसमान में कोई तो उड़ते हुए दिखा था, मुझे क्या लग रहा है कि वो जो बंदा था जो आसमान में उड़ रहा था वो मैद था, एंड मैद ने फॉक्सी को किडनैप किया है। मगर क्यों, आखिर मैद ने फॉक्सी को किडनैप क्यों किया होगा? वेल, मुझे नहीं मालूम, पर इसका आंसर यार जानना जरूरी है, क्योंकि जो फॉक्सी है ना वो इस सर्वर का सबसे बड़ा रेस्टोन इंजीनियर है। तो अगर उसका किडनैप हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा हो रहा है यार। वैसे भी मैथ भी एक साइंटिस्ट ही एक्चुअली में, तो हो सकता है मैथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो जिसपे वो फंस गया हो, एंड इसलिए उसने फॉक्सी का किडनैप किया हो ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर सके। एंड मैं बता दूँ, मैथ कोई अच्छा आदमी नहीं है यार, बहुत बुरा आदमी है, तो उसका जो प्रोजेक्ट होगा वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आई थिंक हमें नेदर में जाना चाहिए। वेल, हम लोग एकदम रेडी तो है, लेकिन हमारे पास गोल्ड नहीं है, और बिना गोल्ड के नेदर में जाना सच को तो काफ़ी रिस्की होता है। एंड चेस्ट भी खाली है, काफ़ी अजीब सी बात है। बाकी यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगे हुए हैं, मैं क्या करता हूँ इस ब्लॉक को ले लेता हूँ, एंड जल्दी से यहाँ पर अपने लिए एक बूथ बना लेता हूँ, ताकि हमें नेदर में कोई भी दिक्कत ना हो।
ओके गाइस, तो यहाँ पे जल्दी से मैंने एक बूथ बना लिया है गोल्ड का, एंड अभी हम लोग एकदम रेडी है नेदर में जाने के लिए। वेल, देखते हैं यार हम कहाँ पहुँचते हैं, एंड मुझे यार डर तो लग रहा है। ऑल राइट, हम नेदर में आ चुके हैं। आते आते भाई, आते आते स्केलेटन का मुलाकात हो गया। कहाँ गया स्केलेटन, वो कहाँ गया? हेलो, वेट, अभी यहाँ पर एक स्केलेटन था, देखा ना, वो गायब हो गया। अब गाइस मुझे यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर फॉक्सी को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। मुझे जहाँ तक शक है ना कि मैथ ने फॉक्सी का किडनैप किया है, एंड अगर मेरा शक सही है तो मैथ ने फॉक्सी को जरूर अपने बेस पर ले गया होगा, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि मैथ का जो बेस है वो आखिर है कहाँ। और अगर हमें मैथ का लोकेशन जानना है तो वो सिर्फ एक ही बंदा बता सकता है, और वो है विदर किंग। लेकिन हम उससे ढूंढेंगे कैसे?